मॉर्निंग बच्चों, आज है 25 तारीख जुलाई और ये देखिए आज हम लोग जो हैं ये बहुत सारी जो है तुलसी लेके आए हैं। और ये देखिए आम है, तुलसी है, ये जामुन है और ये हैं। तो आज भी करीब 25-30 पौधे हम लोग लाए हैं और इनको अभी हम लोग लगाने वाले हैं। ये देखिए और यहाँ पर एक सम्मी का भी है। देखिए एक सम्मी का भी हम लाए हैं पौधा, बहुत ही बढ़िया होता है। तो सर पहले सम्मी लगा दीजिए बीच में, यहाँ बीच में लगाइएगा। तो ये सम्मी का जो है पौधा और इसको हम लगा रहे हैं। और थोड़ा और गहरा कर लीजिए, थोड़ा जितना गहरा हो जाएगा उतना अच्छा है। तो आप बच्चों ऐसे ही जो है लगा सकते हैं। आजकल इस सम्मी की टहनियाँ भी लग सकती हैं अगर आपको कहीं मिले और टहनियाँ काट के। तो क्योंकि कल बारिश अच्छी हुई है तो आज हमने सोचा कि चलो कुछ और पौधे जो गमले में थे, ये सब हमारे गमलों में थे और हम इनको गमलों से निकाल लाए हैं। और आज फिर हम जो है कुछ निमोलियाँ जिनसे हमने निकाली हैं गमलों में, उनमें दोबारा गमलों में उन निमोलियों को डाल देंगे और फिर हमारे लिए अगले साल के लिए फिर पौधे और तैयार हो जाएंगे। तो ये सम्मी और ये देखिए हमारी तुलसी वाटिका हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आसपास जो है फिर तुलसी लगाइए। ये देखिए नींबू लगाया हुआ था जो पिछली वनमहोत्सव में हमने मनाया था उसी में। तो हम रोज़ बेटा वन महोत्सव मना सकते हैं। आप हर हफ्ते के वन महोत्सव, संडे के संडे आप वन महोत्सव मनाएं, आप महीने में मनाएं, तो जितना ज़्यादा कर पाएंगे। और ये समय की बात होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि समय बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जिस समय बरसात हो रही है तो उस समय कर लीजिए। और कहते हैं ना इंग्लिश में भी हिट व्हेन द आयरन इज़ हॉट, तो बारिश हो रही है इस समय अगर आप लगा देंगे तो पौधों की ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा, सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब कभी अगर आप जून के महीने लगाएंगे या मई के महीने लगाएंगे तो उनकी शायद ग्रोथ उतनी नहीं होगी क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इन पौधों को भी 2 साल तक हमें देखना पड़ता है। 2 साल तक अगर आपने सही तरह से इसकी केयर कर दी तो फिर ये अपने आप जो है उग जाएंगे और अपने आप हो जाएंगे, इतने बड़े वृक्ष हो जाते हैं ये। और ये देख लीजिए सामने जो है नीम है, ये जो हम लोगों ने लगाए हैं पहले से इतने बड़े हुए हैं तो अब इनमें इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए पीपल है, ये देखिए आपका जो है अमलतास है, उधर आपकी नर्सरी है। हाँ सर इधर ही साइड में, हाँ यहीं लगा दीजिए बिल्कुल गोलाई में। गोलाई, हाँ एक आउटर गोलाई बना दीजिए। मैं बड़े पौधे लाता हूँ, पहले बड़े लगा दो। ये देखिए बेटे अब हम यहाँ पर एक और जैसे कनॉट सर्कल है ना, कनॉट प्लेस में इनर सर्कल आउटर सर्कल, तो हमारी वाटिका का जो है इनर सर्कल आउटर सर्कल बनेगा। और ये देखिए इतनी खुशबू आ रही है जो है कुल तुलसी की, यहाँ पर इतनी अच्छी महक कि बहुत ही कमाल। छोटे पौधे भी सर के पास हैं, वो तो हमने आपको देखे ही नहीं थे उसकी इसमें, क्योंकि इन दौरान तो छिप जाते। तो ये देखिए यहाँ हम लगा देंगे ऐसे करके, फिर ये बड़े पौधे हम दूसरी तरफ लगाएंगे, आम पीपल नीम। ये देखिए ये गोला बन जाएगा, ये सर्कल बन गया। ये देखिए बढ़िया सर्कल, ये तुलसा थोड़ा सा ही हो गया, ये भी लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए आम 1, जामुन 2, 3, नीम 4, जामुन 5, नीम 6, नीम 7, जामुन 8, जामुन 9, जामुन 10, जामुन 11, ये नीम 12 और ये 13 पौधे तो हम ये लगाएंगे और बाकी हमने समी लगा दिया 14 और बाकी तुलसी के तो बहुत सारे हैं तो मिला के ये 20-25 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर, लाइए सर कुछ मैं लगाता हूँ। मैं चारों तरफ घास खत्म करता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे दे दीजिए लाइए। इसको
छोटे पौधों को इसमें लगाओ, इसी बीच में लगा देता हूँ, इनर सर्कल में लगाओ। ठीक है बेटा, छोटा पौधा लगाना इतना आसान है कि देखिए, ये देखिए ना, थोड़ा सा किया और ये इसमें, और ये जो मिट्टी इधर उधर गई हुई है उसको वापस, और इसकी खरपतवार ज़रूर साफ़ करनी है। ये जैसे खरपतवार साफ़ कर देंगे तो अब आपका पौधा दिखने लगेगा। देखिए दिख रहा है ना, एक बार बंद करके एक बार साफ करो इसकी खरपतवार। तो ये देखो बच्चों, अभी ये ऐसे साफ़ किया, ये साफ़ किया, ये साफ़ किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये पौधा लगा देंगे। अभी आपको देखिए दिखने लगा ना, पहले नहीं दिख रहा था, तो ये साफ़ करें उसके बाद अब लगा दो। सर मैं साफ़ करता जा रहा हूँ, अब लगा दीजिए। वो तीन बना दिए उधर, देखो बेटा ये ऐसे अब दिख रहा है ना सारा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये बेटा आप जो हैं भविष्य हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है ये सीखना, क्योंकि अगर हमें कहीं किसी ने इतने बड़े पेड़ लगा के दिए हैं, चाहे किसी तरह से भी लगाए हैं, तो आज हम इसका आनंद ले रहे हैं, तो कल हम क्या योगदान दे के जा रहे हैं लोगों को, जो भावी पीढ़ी आ रही है हमारी, तो उसके लिए। तो इसी तरह से आप भी जो हैं, जो वृक्ष आप आज लगाएंगे वो 5 साल 7 साल के बाद जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष होगा, और उसके बाद वो कितना जो है लोगों को, लोगों की सेवा करेगा, है ना। और इसीलिए कहते हैं कि वृक्षारोपण कार्य महान, कहते हैं वेद पुराण, कहते हैं वेद पुराण वृक्षारोपण कार्य महान, और एक पेड़ 100 पुत्र समान। यानी एक पेड़ जो आपका है जितनी सेवा कर सकता है, देखिए हवा से, पानी से, ऑक्सीजन से, लकड़ी से, है ना, कितनी चीज़ों की सेवा वो करता है, तो एक पुत्र जो 100 पुत्र भी जो है मिलकर के इतनी सेवा नहीं कर सकते, और इतने लार्ज स्केल पर इतने लोगों की सेवा। तो इसीलिए जो है वो पेड़ को जो है बहुत महान बताया गया, और उसके वृक्षारोपण जो है वो और भी बहुत बड़ी सेवा है, और ये कर्मयोगा है, योग करते हैं आप, कर्मयोगा है ये, तो इसलिए ये ज़रूर करें जब भी आपको मौका मिले। मैं अभी कह रहा हूँ ना कि आप जो है वन महोत्सव जो है हर दिन मना सकते हैं। सुबह एक पेड़ लगा दिया आपने, गुठलियाँ जो है अपने गमले में डाल दी, गमले में लगा दिया, तो ये मौका ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मौके मिलते रहते हैं, बस आवश्यकता है उसको देखने की कि हाँ यार कहाँ पर है। तो ये आप सोचेंगे कि भाई क्या है कि यार ये तो है नहीं मेरे पास, तो जगह नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, तो फिर नहीं होगा। जगह जब आप सोचने लगेंगे मुझे ये करना है, तो जगह अपने आप दिखाई देगी। कहते हैं ना, कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए, कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए, और साधन सब जुड़ जाते हैं संकल्प का धन चाहिए। तो अगर आपको ज़िंदगी में भी अगर कहीं सक्सेस होना है, किसी काम को करना है, तो मन में एक बार आपके आने जरूरी है। उद्यमे नहीं सिद्धन्ते कार्याणि न मनोथे, और इसके साथ ये जरूरी है कि आपके मन में तो आ गई, लेकिन खाली मन में रहने से नहीं होगा। उद्यमे नहीं सिद्धन्ते, उसको जो आपने मन में जो कार्य बनाया है, प्लान जो बनाया है, एक्शन प्लान बनाया है, उसको कार्य रूप में यानी क्रिया रूप में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथ ही और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी अगर आप ये सोचें मैं पेड़ लगाना है, लेकिन अगर उसको आप एक्शन में नहीं लाएंगे तो वो फलीभूत हो ही नहीं सकता। आपको उसके बीज जो है गमले में डालने पड़ेंगे, इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब ये सारे के लिए। तो जब आपका इस तरह से काम चलेगा तो आप जो है हमेशा सक्सेसफुल होंगे, जहाँ भी आप हाथ डालेंगे, जिस काम में भी आप जाएंगे, क्योंकि आपका ऐसा करैक्टर बन चुका होगा। तो इसलिए आप जब भी होंगे वो सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी, और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो ये एक मूल मंत्र है बेटा, आज आपके जीवन का, सफलता का एक मंत्र भी आपको दिया वृक्षारोपण के साथ साथ। तो इसको, इस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करें, और अपने जीवन को सफल भी बनाएं, और इतने लोगों के लिए जो है आप एक जो है इतना
अच्छा कार्य करेंगे तो लोगों को इतना जो है लाभान्वित आप करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। तो आपके पार्ट में जो है ये पुण्य का काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, आपने देखा होगा जब डॉगी भी कहीं पर बैठता है तो पूंछ से पहले उस जगह को साफ सुथरा कर देता है तब बैठता है, वो ऐसे नहीं बैठता। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर वृक्ष लगा रहे हैं, पौध लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो पहले हमें इसका जो है वो सारा जो है उसकी जगह प्रॉपर बनानी पड़ेगी। अब ये देखिए, आपने ये बना दिया, ये सब बना दिए हैं, देखिए अब इनमें हम इनको लगाते चले जाएंगे। तो देखिए इनकी जो है बहुत ही अच्छा हो गया, और वो देखो सब ने वहाँ से लगाना शुरू कर दिए, वो लगा दिए। देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, अब ये अच्छे लग रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर। और ये देखिए सहजन कितना अच्छा हो गया, ये देखिए। और ये आपकी पौध, ये तुलसी वाटिका बहुत ही सुंदर, और इसमें इनर सर्कल आउटर सर्कल है, ये देखिए। ये मरवा तुलसी है, तुलसी बीच में जो है समी,